सोकि so, आज मैं आया हूँ मालवा महिंद्रा जो कि लोकेटेड है करोल बाग दिल्ली के अंदर कोई भी आप महिंद्रा की कार लेना चाहते हैं डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं सारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साथ साथ अपनी तो ड्राइव बुक कीजिए गाड़ी बुक कीजिए यहाँ से अपनी गाड़ी आप ले सकते हैं सो गाइज़ वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ ऑटो मोबाइल गाइज मेरा नाम है आयुष और आज मैं बात करने वाला हूँ महिंद्रा एक्स यू वी थ्री डबल ओ के बारे में आज इस गाड़ी का जो वेरिएंट आज हमारे सामने है वो है डब्ल्यू सिक्स वेरियंट जो कि वाइट कलर के अंदर है वैसे तो इस कार के ऊपर मैं काफ़ी टाइम से पहले से वीडियो बनाने की सोच रहा था बट कभी मौका ही नहीं मिल पा रहा था बट आज फाइनली मैंने इसके ऊपर वीडियो जो है बना दिया है बाकी आप किस और कार के ऊपर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं कोशिश करूँगा कि उस कार के ऊपर जो है वीडियो बना दूँ सो इस फ्रेंड से जो है कार कुछ इस तरह की आपको दिखाई देती है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और बोल्ड इस गाड़ी का लुक देखने को मिलता है आपको साथ ही साथ जो इसको लेने वाले होते हैं वो सिर्फ इसी को लेते हैं ना ही वो ब्रेजा की तरफ जाते हैं ना ही वो वेन्यू की तरफ जाते हैं आखिरकार इसके साथ महें इंडियाज नंबर वन एस मेकर का नाम यानी कि महिंद्रा का नाम जुड़ जाता है साथ ही साथ आपको इस कार के अंदर सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है आप एक्चुअली फील करेंगे जब आप इसके दरवाजों को फील करेंगे बंद करेंगे खोलेंगे बाकी स्टार्ट करते हैं गाड़ी की की से तो की जो है आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी लॉक का बटन बोट ओपनिंग का स्विच और साथ साथ अनलॉक का बटन आपको देखने को मिलता है और की के ऊपर क्रोम वगैरह भी आपको दिखाई देगा महिंद्रा का लोगो देखने को मिलेगा यहाँ पर जो है कुछ डिज़ाइन और फ्लिपेबल की आपको जो है जैक नाइट आपको इसके अंदर देखने को मिलती है और साथ ही साथ फिर यहाँ पर बात करें गाड़ी के फ्रंट के बारे में तो यहाँ पर जो है सबसे पहले महिंद्रा का लोगो आपको दिखाई देगा इस फ्रंट ग्रिल के ऊपर और यहाँ पर हैलोजन हेडलैम्प आपको जो है देखने को मिलेंगे यहाँ पर टर्न इंडिकेटर भी इसके ऊपर दे रखा है यहाँ पर डी होती है टॉप एंड वेरियंट लेंगे तो यहाँ पर ही ब्लैक पार्ट है और साथ ही फिर इसका यहाँ पर जो देखेंगे पियानो ब्लैक फिनिश और सिल्वर फिनिश में इसकी फ्रंट ग्रिल आपको देखने को मिलेगी नीचे की साइड कार्बन ब्लैक फिनिश में आपको इसका एयर डैम देखने को मिलता है एंड उसके साथ ही फिर यहाँ पर ऑल एंड ऑल जो है गाड़ी फ्रंट से आपको को कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है बाकी यहाँ पर इसके बोनट पे क्रीज लाइंस भी दे रखी है जिससे इसके शायद अरोडानेक्स में थोड़ी सी मदद आपको मिल जाए बाकी फिर जैसी गाड़ी के साइड के बारे में बात करते हैं साइड जो है आपको कुछ इस तरह की इस गाड़ी की आपको दिखाई देगी बाकी गाड़ी की लेंथ वगैरह के बारे में बात करें तो थ्री डबल नाइन फाइव एम की इस गाड़ी की आपको जो है लेंथ देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ उसके टायर्स वगैरह के बारे में बात करें तो टायर्स इसके अंदर सबसे बड़ी बात इसके अंदर मैं आपको बताऊँ तो इसके अंदर आपको बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तो बिल्कुल सेम टायर साइज मिलता है और साथ साथ सबसे बड़ी बात ऑल फोर डिस्क ब्रेक आपको इसके अंदर मिल जाता है जो कि इस सेगमेंट में शायद ही किसी गाड़ी में आपको अवेलेबल मिलते हैं बाकी पर स्टील रिम्स के साथ व्हील कवर आपको मिलता है इस वाले वैरेंट में बाकी उससे ऊपर वाला वरेंट लेंगे तो अलॉय वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है व्हीला क्लाइडिंग ब्लैक कलर की मिलती है और पूरी की पूरी कवर करती हुई दिखाई देगी और साथ साथ टर्न इंडिकेटर फेंडर के ऊपर आपको अवेलेबल मिल जाता है इसके साइड मिरर्स की बात करें साइड मिरर्स आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे इस वाले वेरिएंट के अंदर और इससे अपर वेरिएंट लेंगे तो उसमें फोल्डेबल भी मिल जाएंगे बाकी ऊपर यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश में ए पिलर बी पिलर इसका ब्लैक टेप में आपको अवेलेबल मिल जाता है और सी पिलर की बात करें सी पिलर काफ़ी शानदार इसका ग्लोसी ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिलता है जो कि लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी की लुक, की लुक को इन्हांस करता है और इसकी ग्राउंड रेस भी आपको सफिशियंट अमाउंट की अच्छी खासी मिल जाती है और यहाँ पर सबसे ऊपर बात करें तो यहाँ पर आपके रूफ रेल भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है जो कि ब्लैक कलर के अंदर है ब्लैक में भी डेओल टोन है एक मैट

काफ़ी डिफरेंट है एक अच्छा सा है स्प्लिट टेल लैम्प इसके अंदर देखने को मिलते हैं जो कि एल वाले हैं और टर्न इंडिकेटर पार्किंग लाइट वगैरह भी महिंद्रा का लोगो यहाँ पर देखने को मिलेगा ऊपर की साइड देखेंगे हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प रियर वाइपर वॉशर डी फॉगर नहीं मिलते हैं इसके अंदर और यहाँ पर देखेंगे तो आपको एंटीना नॉर्मल वाला इसके अंदर मिल जाएगा टू आई अल्ट्रासोनिक रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और रिफ्लेक्टर के साथ इसका रियर आपको बम्पर ब्लैक वाला देखने को अवेलेबल मिलता है और उसके बाद फिर बात करें इस गाड़ी की बूट के बारे में तो बूट जो है आपको यहाँ से खोलने के लिए एक स्विच मिल जाता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्विच क्योंकि फाइव डोर इंटर लॉकिंग भी इसमें अवेलेबल है तो कुछ इस तरह का आपको इस गाड़ी के अंदर बूट स्पेस मिलता है टू लीटर का इस गाड़ी के अंदर बूट स्पेस मिलता है शायद थोड़ा सा कम है बाकी रियर पार्सल ट्रे वगैरह भी इसके अंदर नहीं मिलती है यहाँ पर आपको हंड्रेड सीट फोल्डिंग मिलती है रियर हेडरेस्ट आपको इंटीग्रेटेड ही इस वाले वेरियंट में अवेलेबल मिलते हैं और अंदर देखेंगे थोड़ा सा मैसी है वैसे तो बाकी स्पेयर व्हील वगैरह यहां पर रखने की आपको जगह इसके अंदर अवेलेबल मिल जाती है उसके बाद बूट क्लोजिंग के लिए भी आपको यहां पर जो है एक ग्रैब हैंडल मिलता है जो कि टेल गेट के ऊपर आपको अवेलेबल मिलता है इससे आप इसकी जो है बूट क्लोज कर सकते हैं तो ये सारी बातें हुई गाइड इस गाड़ी के ऑल ओवर रियर के बारे में एक्सटीरियर के बारे में सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में फिर जैसे ही हम गाड़ी के जो है इंटीरियर्स के बारे में बात करें सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ बाहर से ही इसके गाड़ी के जो है इंटीरियर के बारे में बात करते हैं यहां पर देखने को मिलता है इसमें एक बड़ा सा इनग्रेस और एग्रेस डेउल टोन का इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर मिलता है बाकी एटी डिग्री से ऊपर का इसका इन्ग्रेस और एग्रेस आपको अवेलेबल मिल जाता है और साथ साथ यहाँ पर डेल टोन का इंटीरियर मिलता है जो कि ब्लैक और क्रीमी शेड में आपको देखने को मिलता है इस वाले वेरियंट में ब्लैक इंटीरियर मिलता है इससे टॉप एंड वेरेंट लेंगे उसके अंदर आपको बेच कलर का इंटीरियर ही देखने को मिलेगा मतलब क्रीम शेप में बाकी यहाँ पर इसके सिल्वर जो है बटन्स मिलते हैं पावर विंडोज़ वगैरह के और यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी इसके डोर के ऊपर अवेलेबल मिल जाता है जो कि बहुत कम कार्स मेकर देते हैं रिफ्लेक्टर इस इस डोर के ऊपर बाकी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसमें जो है आपको अवेलेबल मिलता है फिर इसकी अपोस्टिक की बात करें सीट अपोस्टिस के अंदर जो है आपको फैब्रिक वाली मिलती है जिसकी कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको और उसके अंदर कंफर्टेबल मिल जाती है सो ये सारी बातें हुई गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बाहर से अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बैठ के गाड़ी के अंदर जो है इंटीरियर के बारे में बात करते हैं इस जैसी गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करते हैं इंटीरियर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है इसकी इंटीरियर में सबसे पहले अगर हम देखें इसके स्टेरिंग व्हील के बारे में बात करें तो पूरा राउंड शेप आपको स्टेरिंग व्हील जो है देखने को मिलता है उसके साथ ही साथ यहां पर महिंद्रा का लोगो देखने को मिलता है यहाँ पर कुछ सिल्वर बटन मिलते हैं जो स्टेरिंग के ऊपर कुछ यहाँ पर मिलते हैं यहाँ पर कुछ नहीं मिलता शायद टॉप मॉडल में क्रूज वगैरह के बटन शायद आपको यहाँ पर जो अवेलेबल मिल जाए मिल जाते हैं यहां पर फिर बात करें इसके स्टेयरिंग के बारे में तो टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आपको स्टेरिंग व्हील मिलता है यहाँ पर देखेंगे कुछ नॉब्स आपको तो कुछ हेडलाइट्स और इंडिकेटर से जुड़ी नॉब मिल जाएगी इस साइड

चाइल्ड डॉक्यूपेंट में और फिर उसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें इसके एसी वेंट्स के बारे में तो एसी वेंट्स कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं नीचे की साइड का स्विच देखने को मिलता है यहाँ पर ये यह कुछ बटन आपको देखने को मिलते हैं यह इसका जो टेम्परेचर कंट्रोल है ये मैनुअल वाला आपको मिलता है सारी चीजें आपको मैनुअली सेट करनी पड़ेगी कुछ डिफरेंट टाइप का इसके अंदर देखने को मेरे को और कारो से इसके अंदर देखने को मिला है बाकी यहाँ पर देखेंगे नीचे ऑक्स का स्विच एक देखने को मिलता है और बाकी यूएस का एक स्विच देखने को मिलता है ट्वेल्व वोट एसरी सॉकेट इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर छोटा स्टोरेज पीस आपको मिलता है मैनुअल में कार

बंद हो जाती है जैसे आप अब करते हैं ये जो है लाइट एल्यूमिनेट करती है काफी अच्छा फीचर है जो कि इस कार में दे रखा है बाकी यहाँ पर देखेंगे सनरूफ से जुड़े इसमें कुछ स्विचेस जो है देखने को मिलते हैं सबसे मेजर जो इसके अंदर चीज है ये सनरूफ आपको देखने को मिलती है इसके अंदर जो कि इस सेगमेंट में इस प्राइस रेंज में आपको शायद नहीं देखने को मिलेगी किसी और गाड़ी में और साथ ही साथ यहां पर देखेंगे तो फिर इसमें सन ग्लास ऑडो देखने को मिलते हैं यहां पर सन का एक स्विच जो है देखने को मिलता है इससे ही आप सनरूफ को ऑपरेट कर सकते हैं ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ क्लोज इसके अंदर जो है कर सकते हैं सो उसके बाद फिर हम और चीजों के बारे में बात करें इस साइड मैंने आपको चीजें नहीं बताई तो एक बार यह देख लीजिए यहां पर जो है आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन यानी कि ये जो है आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर इस जगह कुछ इस तरह का देखने को मिलता है का स्विच आपको देखने को मिलता है अगर आप टॉप एंड वेरियंट वगैरह लेंगे तो वहाँ पे आपको और भी यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर इसके जो पावर विंडो के स्विचेस हैं काफी ज्यादा प्रीमियम से इसके अंदर अलग कलर के और अलग सिल्वर से इसके अंदर दे रखे हैं बाकी हर कार में जो है मैंने आज तक ब्लैक ही देखे हैं तो ये चीज थोड़ी थोड़ी प्रीमियम नेस हर जगह एड ऑन कर देती है बाकी आपको चारों डोर्स में बॉटल होल्डर वगैरह इसके अंदर जो है देखने को मिलते हैं यहाँ पर एक मैप सो यहाँ पर इसके अंदर ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा गहरा है आप देख सकते हैं इसके अंदर मेरा हाथ काफी अंदर तक जो है चला गया मतलब काफी ज्यादा गहरा है ये ग्लव बॉक्स आपको देखने को इसके अंदर मिलता है बाकी यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा सो ये सारी बातें हुई गाड़ी के ऑल ओवर फ्रंट इंटीरियर के बारे में आप चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पर और बात करते हैं गाड़ी के रियर इंटीरियर के बारे में रियर स्पेस वगैरह के बारे में एक बार इसकी जो है बात कर लेते हैं कई जब आ गया हूं मैं कार की रियर सीट पे रियर सीट में बात करें तो स्पेस काफी ज्यादा अच्छा इस गाड़ी का मिल जाता है इस सेगमेंट की गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा अच्छा स्पेस मिल जाता है रियर वाले जो हैड्रेस है दोनों इंटीग्रेटेड मिलते हैं और साथ ही साथ ब्लैक इंटीरियर पूरा का पूरा देखने को मिलता है इसकी कुशनिंग सारी सीटों की काफी ज्यादा अच्छी है और यहाँ पर इसके हेड्रेस की बात करें फ्रंट वाले जो है आपको दोनों के दोनों हेड्रेस एडजस्टेबल मिलते हैं इसकी जो है ड्राइवर और को ड्राइवर सीट आपको हाइट एडजस्टेबल के साथ मिल जाती है ऊपर की साइड देखेंगे मैप रीडिंग लैम्प एक यहाँ पर मिल जाएगा एक आपको जो है आगे मिलता है सन का मजा पीछे से आप ले सकते हैं काफी ज्यादा तो इसी क्लोजिस से इस तरह से जो है अभी फिलहाल कर देते हैं यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको हैंडल मिलेगा साथ साथ यहाँ पर एक हुक भी इसके अंदर देखने को मिलता है यहाँ पर भी सेम चीजें आपको जो है ऊपर की साइड देखने को इसके अंदर अवेलेबल मिल जाएंगी बाकी उसमें फिर स्पेस वगैरह के बारे में बात करें तो स्पेस इसके अंदर लेग रूम देखिए आप कुछ इस तरह का आपको लेगरूम देखने को मिल जाएगा ठीक ठाक अमाउंट का इसके अंदर लेगरूम जो है देखने को मिलता है बाकी मैप पॉकिट्स इसके अंदर यहाँ पर जो है देखने को मिल जाती है एक यहाँ पर मिलती है और एक यहाँ पर भी मैप पॉकेट जो है देखने को मिलती है बाकी रियर रेसी वगैरह वेंट अगर आप देख रहे हैं तो वो इस गाड़ी में आपको इस वाले वेरियंट में अवेलेबल नहीं मिलने वाला है सो ये ये सारी बातें हुई गाड़ी के ऑल ओवर इंटीरियर्स के बारे में ये सारी बातें हुई गाड़ी के ऑल ओवर के बारे में आप बात करते हैं गाड़ी की सेफ्टी के बारे में टेक्नोलॉजी के बारे में और प्राइस वगैरह देख लेते हैं गाड़ी का कि किस प्राइस में ये गाड़ी जो है आपको अवेलेबल मिल जाती है गाइस ऐसी जैसी गाड़ी के इंजन के बारे में बात करते हैं दो इंजन ऑप्शंस में आपको गाड़ी अवेलेबल मिलती है टर्बो पेट्रोल इलेवन नाइन्टी सेवन सी सी का और टर्बो डीजल फोटीन नाइनटी सेवन सी सी का आपको इसके अंदर देखने को मिलता है सिक्स स्पीड मैनुअल सिक्स स्पीड ऑटो शिफ्ट में आपको अवेलेबल मिलते हैं बाकी बात करें गाड़ी की सेफ्टी के बारे में तो सेफ्टी में इस गाड़ी में काफी ज्यादा अच्छी फीचर्स मिल जाते हैं डेल एयर बैग इस वाले वेरियंट में है बाकी डब्ल्यू एट ऑप्शन लेंगे तो उसके अंदर आपको सिक्स एयरबैग का ऑप्शन मिल जाएगा बाकी ग्लोबल एनकेप में इस गाड़ी ने फाइव स्टार जो है स्कोर किया था सेफ्टी में एंड उसके बाद बात करें गाड़ी के प्राइस के बारे में सो गाइस प्राइस जो मैंने आपको सारे डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। है so आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। साथ साथ नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं ये भी आप जरूर पता है थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो